हिमांशु माथुर जयपुर रिहैब से। आज आप सभी के बीच में लाया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम सिंप्लीफाई। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या है? व्हाट इज स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम? स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का मतलब होता है कि स्कैपुला का साइमल्टेनियस मूवमेंट ह्यूमरस के साथ होना जब शोल्डर पे अबडक्शन मूवमेंट होता है। जब भी शोल्डर पे अबडक्शन का मूवमेंट होता है तब ह्यूमरस के साथ साथ जो स्कैपुला मूव करती है उस रिदम को, यानी कि उस साइमल्टेनियस मूवमेंट को हम कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। इसे सबसे पहली बार खोजा था इनमेन एंड कलीग्स ने, जिसका कि सबसे पहला लिटरेचर प्रेजेंट है स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम पे, सन कुछ 1944 में। तो बड़े साल हो गए इसे खोजे हुए अभी तक, राइट? तो उन्होंने हमें ये बताया था कि जब भी शोल्डर पे अबडक्शन मूवमेंट होता है तो हर 3 degree अबडक्शन मूवमेंट में, फॉर एवरी 3 degree अबडक्शन मूवमेंट 2 degree मूवमेंट अकर्स एट दी ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट। मतलब 2 degree ह्यूमरस मूव करेगी तो 1 degree स्कैपुला मूव करेगी, राइट? तो ह्यूमरस मूव्स इनटू अबडक्शन एट दी ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट एंड दी स्कैपुला मूव्स इनटू आउटवर्ड रोटेशन एट दी स्कैपुलो थोरासिक ज्वाइंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियल पोजीशन ऑफ स्कैपुला के इन्फीरियर एंगल, यानी कि इन्फीरियर पोल पे एक क्रॉस मार्क लगा रखा है, राइट? जैसे ही हम पेशेंट को बोलते हैं अबडक्शन करने के लिए, ये जो इन्फीरियर पोल ऑफ स्कैपुला है वो मूव करने लगता है अबडक्शन मूवमेंट पे, कुछ ऐसे। नाउ अब जब पेशेंट यहां पे होल्ड करेंगे तो पेशेंट को होल्ड करने पे हम देखेंगे कि ये जो इन्फीरियर पोल है वो कुछ आगे निकल गया है, कुछ इस जगह पे। सो ये जो ट्रांसलेशन है इस क्रॉस पॉइंट से लेकर के एक सेकेंड पॉइंट तक, दैट इज द आउटवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमने इस 180 डिग्री के अबडक्शन मूवमेंट को डिवाइड किया है 3 phases में। पहला फेज 0 to 30 degree अबडक्शन, दूसरा फेज 60 to 90 degree अबडक्शन, और तीसरा फेज रहेगा 90 to 180 degrees ऑफ अबडक्शन। पहले फेज की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम मूवमेंट होता है, इसीलिए इसे हम सेटिंग फेज भी कहते हैं। तो पहला जो फेज है उसमें 0 to 30 degree मूवमेंट में 30 degree अबडक्शन होता है ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे, एंड मिनिमम मूवमेंट टेक्स प्लेस एट द स्कैपुला। स्कैपुला का मूवमेंट होता है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल और बहुत ही मिनिमम होता है। जो मेजर और बेसिक अमाउंट ऑफ मूवमेंट है वो टेक प्लेस होता है ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे, और इसके साथ साथ स्टार्टिंग में ही कुछ 5 degree का एलिवेशन होता है क्लाविकल का भी। क्लाविकल का जो एलिवेशन होता है वो एक्रोमियो क्लाविकुलर ज्वाइंट पे भी होता है और स्टर्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट पे भी होता है, इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो ये था फेज 1 अबडक्शन का। अब जानते हैं फेज 2 क्या होता है। फेज 2 होता है 30 degrees से लेकर 90 degrees तक का मूवमेंट। इस 30 से 90 डिग्री के मूवमेंट में ह्यूमरस का मूवमेंट जो होता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में, ये होता है तकरीबन 40 डिग्री तक का। 40 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट अकर्स एट द ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। लेकिन इस बार जैसा कि हमने पिछली बार सुना था कि मिनिमम मूवमेंट स्कैपुला का होता है, इस बार ऐसा नहीं होता है। इस बार स्कैपुला अच्छे से मूव करता है और तकरीबन 20 डिग्रीज ऑफ आउटवर्ड रोटेशन होता है स्कैपुला में, जो हमने अभी पिछली वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से स्कैपुला आउटवर्ड रोटेट करता है। और क्लाविकल में भी एलिवेशन होता है और इस बार ज्यादा एलिवेशन होता है तकरीबन 15 डिग्री तक का। आइए बात करते हैं फेज 3 की, यानी कि लास्ट फेज। अब जो लास्ट फेज होता है उसमें लास्ट 90 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट होता है, जो कि 90 डिग्री ऑफ अबडक्शन से लेके कंप्लीट 180 डिग्री ऑफ अबडक्शन तक चलता है। इसमें ह्यूमरस का मूवमेंट अबडक्शन के लिए ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज तक का, और 30 डिग्रीज ऑफ आउटवर्ड रोटेशन होता है स्कैपुला का एट दी स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। इसी के साथ साथ क्लाविकल ऑल्सो गोज इनटू आउटवर्ड रोटेशन एट दी एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, दैट इज अराउंड 30 डिग्रीज। इसका मतलब जो क्लाविकल होती है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज तक पोस्टीरियरली रोटेट करती है, पीछे की तरफ रोटेट कर जाती है, और इसी के साथ साथ 15 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन भी हमको विजिबल होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट की। अबडक्शन मूवमेंट स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट पे भी अकर होता है।
जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि अबडक्शन मूवमेंट जो होता है वो केवल शोल्डर जॉइंट पे नहीं, पूरे शोल्डर गर्डल पे होता है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, हम बात कर चुके हैं स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट की, हम बात कर चुके हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की भी, अब हम बात करेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। तो इसलिए हम पूरे मूवमेंट को डिवाइड करते हैं दो फेजेस में। पहला फेज होगा 0 to 90 degree मूवमेंट और दूसरा फेज होगा 90 to 180 degree मूवमेंट। तो जब मैं पहले फेज की बात करता हूं और 0 to 90 degree मूवमेंट की बात करता हूं तो SC जॉइंट यानी कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्लेविकल का पोस्टीरियर रोटेशन होता है फर्स्ट फेज में कुल 25 डिग्री यानी कि 25 degrees, और 5 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट फर्स्ट फेज में होता है AC जॉइंट पे यानी कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे। और वही अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो उल्टा हो जाता है बिल्कुल, यहां पे SC जॉइंट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे 5 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट बचेगा और मेजर मूवमेंट 25 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट आ जाएगा AC जॉइंट यानी कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक स्टडी के बारे में जो कि हुई थी 1988 में, और इस स्टडी को किया था इसके ऑथर से बैग एंड फॉरेस्ट एट ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी है इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, और कई बुक्स में भी आपको स्टडी मिल जाती है। इस स्टडी में जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इनमेन ने जब स्टडी की थी तो उन्होंने एक रेशियो दिया था स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का जो कि था 2:1 यानी कि 2 degree मूवमेंट एट द ह्यूमरस एंड 1 degree मूवमेंट एट द स्कैपुला। तो इन्होंने फर्दर स्टडी की और कुछ नए रेशियोज निकाल करके सामने आए। तो इन्होंने पूरे अबडक्शन को का जो मूवमेंट है 180 डिग्री उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। 21 टू 82 डिग्री मूवमेंट को इन्होंने फर्स्ट फेज में रखा और उसमें इन्होंने पाया कि स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम का जो रेशियो है वो होता है तकरीबन 3.29:1 यानी कि जब 3.29 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट अकर्स एट द ह्यूमरस तब 1 डिग्री मूवमेंट स्कैपुला पे होता है। इसका मतलब ह्यूमरस पे मूवमेंट फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्कैपुला, जो हमने भी जाना था थोड़ी देर पहले कि स्कैपुला में का जो मूवमेंट होता है फर्स्ट फेज में वो मिनिमम होता है। सेकेंड फेज जो आता है वो होता है 82 डिग्रीज से 139 डिग्रीज पे, इसमें ये रेशियो बिल्कुल उलट जाता है। इसमें जो रेशियो होता है वो होता है 0.71:1 यानी कि फॉर एवरी 1 degree मूवमेंट एट स्कैपुला ओनली 0.71 degree मूवमेंट अकर्स एट द ह्यूमरस। इसका मतलब इस बार स्कैपुला ज्यादा मूव कर रही है, ह्यूमरस कम मूव कर रही है रेशियो में, दैट इज द सेकेंड फेज। और थर्ड फेज जो इन्होंने दिया वो था 139 डिग्रीज से तकरीबन 170 डिग्रीज तक का, और ये रेशियो निकल करके आया 1.25:1 यानी कि नियरली इस बार दोनों यानी कि ह्यूमरस और स्कैपुला दोनों ही तकरीबन बराबर मूव कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी थी जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सो दिस इज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, और आई एम रियली सॉरी सबसे पहले तो कि मैं ये एक जो वीडियो है बहुत ही लंबे समय से अवेटेड वीडियो था जो कि मैंने अब डाला है। तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छे वेबिनार्स और लेकर के आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आप सब लोग साथ में बने रहिए, विल गो टू अ लॉन्ग वे। Thank you from Jaipur Rehab and Himanshu Mathur. You can follow me on various social media platforms. लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, स्टूडेंट्स में से भी, क्लिनिशियंस में से, अकेडमिशियंस, सभी लोग शेयर करें इसे, और प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, या कहीं आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख करके भेजिए मुझे। थैंक यू सो मच।